दोस्तों 2 साल पुरानी बात है। शेयर मार्केट में सिर्फ एक ही शेयर के चर्चे होते थे, अखबारों पर, टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चारों तरफ सिर्फ एक शेयर की तूती बोलती थी। उस शेयर का नाम था BCG। श्रीमान, लोगों के सर पर BCG का खुमार ऐसा चढ़ा हुआ था कि अगर BCG के बारे में कुछ हम बुरा बोल देते थे तो लोग अपना मुंह ऐसा बनाते थे मानो हमने उनकी भैंसें छोड़ ली हो। लोग इतने ज्यादा प्यार मोहब्बत में दीवाने हो रखे थे BCG के। लेकिन दोस्तों आज आप देख लीजिए, उसी BCG के ऊपर ताला लग गया है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो रही है 14 जून से। जबकि इतना बड़ा ऐलान अखबारों में छप चुका है, उसके बावजूद भी महोदय लोअर सर्किट लग रहा है, किंतु लोग बाग अभी भी, जी हाँ अभी भी BCG को खरीद रहे हैं। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं ये, जो अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि देर सवेर फिर से BCG की ट्रेडिंग चालू होगी, वो बेचकर निकल पाए। ऐसे शेयर मार्केट के सूरमाओं को हमारा नमन। किंतु दोस्तों आज बड़ा सवाल यह है कि इस शेयर की आग में कैसे रिटेल जनता दिल जला आशिक बनकर रह गई। दोस्तों इस कंपनी के मालिकों ने कंपनी के बैलेंस शीट को ही भून के रख दिया, खर्चे को कम दिखाया, कमाई को ज्यादा बताया। जनता ऑडिटेड रिजल्ट को देखकर शेयर खरीदती रही, चढ़ते रहे शेयर। जब बिल्ली बाहर आई तब बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी की हालत मानवर इतनी खराब है कि आज की डेट में इनको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट तक देने की फुर्सत नहीं है। एक्सचेंजेस सेबी इनसे मांगते मांगते थक गई, तो भी भाई साहब अपने रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप ट्रेडिंग पर बैन लगाना पड़ा है। उसके बावजूद लोगों को ऐसे प्रमोटर्स से वफादारी की उम्मीद है, तो उनके लिए हम सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन हमारा आप सभी से निवेदन है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, क्लाइंट्स हैं, श्रीमान, जिन कंपनियों के प्रमोटर संदिग्ध हैं उनमें निवेश करने से बचिए। और जिस क्षण आपको मात्र अंदाजा लग जाए कंपनी का प्रमोटर खराब है, आप लॉस बुक कर लीजिए। जितने जल्दी लॉस बुक करेंगे उतने फायदे में रहेंगे। देखिए हम लोग शेयर मार्केट में हैं, यहाँ पर दिल पर लेने वाली कोई बात नहीं होती। हम गलत पड़े, धीरे धीरे निकल जाइए। बाद में आपको लगे कि कंपनी सही थी, आपका एनालिसिस गलत था, तो फिर बाद में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ऊपर बेचेंगे तो नीचे आप बाद में खरीद सकते हैं। महोदय खरीदने की क्षमता आपसे कौन छुड़ा रहा है? इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का पालन कीजिए। शेयर मार्केट की राह मानेवर बहुत ऊंच नीच से भरी हुई है। गाना आपको याद है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, वो गाना शेयर मार्केट में लागू होता है। यदि आपको शेयर मार्केट की इन कटीली पथरीली राहों में हमारी टिप राय रिकमेंडेशन चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरी क्लाइंट प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप ले लीजिएगा महोदय।